आपको दिखाया जाएगा आज हेयर ड्रेसिंग सेंटर। से हाय वो बाबा जी पाकिस्तानी मां राधा पाकिस्तान। सफाई का एक अच्छा और मुनज्जम इंतजाम पाकिस्तानी नंबर मौजूद, ये आप देख सकते हैं। यहाँ ओमान के कानून के हिसाब से हर दुकान में एसी पंखा लगाया जाता है, और वेटिंग एरिया में बैठने के लिए सोफे का इंतज़ाम किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मॉस्किटो डिटेक्टर एलसीडी। ये जी ऐसे कैबिन होते हैं। कैसे भाई जन? ठीक ठाक भाई जन, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? असद राजा। असद राजा कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन सी जगह? नारवल। कौन सी जगह? नारवल जफरवाल के पास में, दामथल शायद। अरे ग्राही है अपने अब तो फिर। चलिए बहुत अच्छा लगा। कब से यहाँ पे ओमान में? 3 साल हो गए। 3 साल। इधर दुकुम में कितना टाइम हो गया? हो गए 6 साल। दुकुम में 6 साल हो गए आपको? और टोटल? टोटल इधर दुकान को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपकी दुकान हो गए यहाँ पे। और साथ वाला दुकान भी हमारा अपना दुकान है। और कैसा है यहाँ पे अभी तक आपको लगा? सही लगता है? बहुत अच्छा चल रहा है। काम भी अच्छा है? बहुत अच्छा है। पीछे भी सब निज़ाम बेहतर है? सब अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा, आप जो नए लोग आने वाले यहाँ पे, जैसे आपकी फील्ड के लोग आएंगे पाकिस्तान से, क्या सजेस्ट करेंगे आप उन्हें कि वो आना चाहिए और क्या कौन सा काम सीख के आए, तो जिसकी मार्केट डिमांड अभी ज़्यादा है? उनको अगर आना चाहिए तो ये इलाके का आना चाहिए, तो पूरा काम सीख के आए, आधा ना सीख के आए। आधा सीख के भी लोग आते हैं इधर? आधा सीख के आएंगे तो वो इधर आके उसको सीखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है इधर। और जुबान सीखना कैसा? आप लोग की, आप लोग का देखा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जुबान सीखेगा तो 6 महीने में जुबान आ जाएगा उसको, अगर सीखना चाहे वाला होगा तो। हाँ, अगर नहीं होगा तो फिर 3 साल में। लेकिन जुबान सीखना आप लोगों के लिए लाजिम है इस फील्ड? जुबान लाजिमी है इस फील्ड में। चलिए भाई साहब बहुत शुक्रिया। ये जो आया ये इस्लामाबाद में काम करता था, जो हमारे पास जो चलिए अभी उसका हम लोग इंटरव्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। जी हैं जी, ये हैं जी हमारे वन एंड ओनली जिशान भाई, जो हमारे पर्सनल हेयर ड्रेसर हैं, जिनसे हम लोग एक लंबे अरसे से आते हैं जिनके पास। जिशान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। आप किधर से? पाकिस्तान में? पाकिस्तान शकरगढ़ से। अरे वाह, शकरगढ़ के लोग बहुत मशहूर होते हैं। हाँ, ये भी उधर गई है। और कितना टाइम होगा आपको इधर? मुझे 2.5 साल हो गए। कैसा चल रहा है काम? सही चल रहा है। आप सारा काम पाकिस्तान से सीख के आए थे? मुकम्मल पाकिस्तान। इधर से आके कुछ नया नहीं सीखा आपने? बस इधर से ज़बान का थोड़ा मुश्किल है। बाकी जो पाकिस्तान में जैसे हमारे लोग होते हैं उनके स्टाइल, और जो यहाँ के लोकल होते हैं उनके स्टाइल में फ़र्क तो देखा होगा आपने भाई? फ़र्क है, लेकिन ये पाकिस्तान का भी इतना मुश्किल नहीं है, जो सीख कर आते हैं उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। सही, यानी कि एडजस्ट हो सकता है जल्दी? बस जुबान का फर्क होता है, जो जुबान सीख लेना उसके लिए तो काम का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो उधर करते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले बहुत शुक्रिया जिशान भाई। ये जी बहुत अच्छे ड्रेसर हैं, हम लोग इनके पास ही आते हैं एक लंबे अरसे से, मैं और ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं नवीद भाई खड़े हैं। और ये एक चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ना, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये एक हमारा जैसे पॉलीथीन होता है ना, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें लेके, सेम वही मटेरियल होता है। ये होता है जो भी यहाँ पे आएगा ना कस्टमर, ये हर कस्टमर के लिए एक इस्तेमाल होगा, वन टाइम यूज़ होता है। इसको जो भी कटिंग कर रहे हैं आप, खत कर रहे हैं इसके साथ, और इसको कस्टमर चला गया तो ये भी डस्टबिन में चला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे होती है। इससे क्या होता है कि जरासीम शेयर नहीं कर सकते आप लोग।